लोकसभा इलेक्शंस के डेट्स अनाउंस हो चुके हैं, तो 19 अप्रैल से लेकर जून 1 तक डिफरेंट 7 फेसेस में देश में इलेक्शंस होंगे। लेकिन इलेक्शन से पहले काफी मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला मुद्दा अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, दूसरी ओर ईवीएम को बंद करवाने के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एंड नाउ अब एक और मुद्दा उठाया जा रहा है इलेक्शन कमिश्नर्स को लेकर। रिसेंटली 8 मार्च को इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल लोकसभा इलेक्शन से जस्ट पहले हेल्थ इश्यूज बताकर अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं, और वो रेजिग्नेशन 9 मार्च को प्रेसिडेंट द्वारा एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है। तो क्या अरुण गोयल इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा ये जो रेजिग्नेशन दिया गया है ये एक मुद्दा है? इसे भी एक मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन मेन मुद्दा कुछ और है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 3 मेंबर्स होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। इन 2 इलेक्शन कमिश्नर में से एक इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे 14 फरवरी 2024 को ही रिटायर हो गए थे, और उनके रिटायरमेंट के बाद से अब तक कोई भी पर्सन अपॉइंट नहीं किया गया था उनकी जगह। एंड नाउ अरुण गोयल दूसरे इलेक्शन कमिश्नर ने भी रेजिग्नेशन दे दिया, और उनके रेजिग्नेशन देने के बाद दोनों ही इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट खाली होगी, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सिर्फ एक मेंबर चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि राजीव कुमार ही बचे। सो लोकसभा इलेक्शन से पहले इन दोनों खाली पोस्ट को फिल करने की बात हो रही है। इन पोस्ट को फिल करने की पावर है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट एक 3 मेंबर्स की कमेटी के साथ कंसल्टेशन करके इन खाली पोस्ट को फिल कर सकते हैं, और उस 3 मेंबर कमेटी में जो 3 मेंबर्स होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, जो कि इस कमेटी के हेड होंगे, दूसरे मेंबर होंगे लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी, और तीसरे मेंबर होंगे कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, जिसे प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे। तो मुद्दा ये है कि ये जो 3 मेंबर कमेटी है उसमें गवर्नमेंट की 2:1 के साथ मेजॉरिटी है। अगर गवर्नमेंट की 2:1 के साथ मेजॉरिटी होगी तो इन दोनों पोस्ट को फिल करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफदारी का बंदा बिठाएगी, जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के खिलाफ है और डेमोक्रेसी के भी खिलाफ है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लीगल एंगल इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग। पहले क्या लॉज थे इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने के लिए, और अब ये जो कमेटी बनाई गई है वो किस लॉ के अंडर बनाई गई है, और इसके खिलाफ मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है, इन सभी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो अगर हम पहले की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 जो है वो इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 का क्लॉज 1 ये बात कहता है कि देश में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होंगे, स्टेट के लेजिस्लेचर इलेक्शंस होंगे, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होंगे, वो सारे इलेक्शंस एक ऑर्गेनाइजेशन की देखरेख में होंगे, जो कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फ्रीली एंड फेयरली इलेक्शंस कंडक्ट करवाना, और उस ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया। और इसी आर्टिकल का क्लॉज 2 बात करता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। टोटल कितने नंबर ऑफ मेंबर्स इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे वो नंबर डिसाइड करने की पावर है प्रेसिडेंट के पास, और इन मेंबर्स को अपॉइंट करने की पावर भी किसके पास होगी, प्रेसिडेंट के पास ही होगी। लेकिन आर्टिकल 324 का क्लॉज 2 ये भी क्लियरली कहता है कि पार्लियामेंट द्वारा इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने के लिए एक स्पेसिफिकली लॉ पास किया जाएगा, और उस लॉ की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही प्रेसिडेंट इन इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन दिसंबर 2023 से पहले कोई भी स्पेसिफिक लॉ पार्लियामेंट द्वारा इस रिगार्डिंग नहीं बनाया गया, तो इसी कारण इससे पहले भी काफी पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो चुकी हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ही इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करते आ रहे थे। तो जनवरी 2015 में अनूप बरनवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो करंट सिस्टम है इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने का वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली ये मेंशन किया हुआ है कि इलेक्शंस करवाने के लिए एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जाएगी, जिसका काम होगा फ्रीली एंड फेयरली इलेक्शंस करवाना विदाउट एनी पार्शियलिटी। तो अगर इलेक्शन कमिश्नर में जो कमिश्नर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा यानी कि एग्जीक्यूटिव द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, तो वो क्लियरली पार्शियलिटी होगी और वहां पर फेयरनेस भी खत्म हो जाएगी। सो इसीलिए जो करंट सिस्टम है इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने का वो आर्टिकल 324 के क्लॉज 2 का भी वायलेशन करता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि डेमोक्रेसी के बारे में बात करती है, और आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है उसका भी वायलेशन करता है। सो इस सिस्टम में चेंजेस होने चाहिए।
तो ये सारी बातें अनूप बरनवाल ने अपनी पिटीशन में कही। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च 2023 को इसके रिगार्डिंग अपनी जजमेंट पास की, जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक पार्लियामेंट द्वारा कोई भी स्पेसिफिक लॉ नहीं बना दिया जाता, तब तक इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए एक 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई जाएगी, और इन 3 मेंबर्स की कमेटी में एक होंगे प्राइम मिनिस्टर जो कि इस कमेटी के हेड होंगे, एक मेंबर होंगे लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी, और 3rd मेंबर होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनकी कंसल्टेशन के साथ ही प्रेसिडेंट इन कमिश्नर्स को अपॉइंट कर सकेंगे। तो मार्च में सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट आने के बाद से ही पार्लियामेंट में एक बिल पेश हुआ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट को लेकर। जो बिल, जो लॉ पिछले 70-75 सालों से नहीं बनाया गया, वो सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट के आने के तुरंत बाद से ही पार्लियामेंट में पेश हो जाता है और दिसंबर 2023 में पास भी हो जाता है। और इस बिल का नाम था चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट एक्ट 2023। और इस बिल के और इस एक्ट के सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा ही होगी, लेकिन प्रेसिडेंट एक 3 मेंबर्स की कंसल्टेशन के साथ इन इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। और जो 3 मेंबर कमेटी होगी, उसके जो मेंबर्स होंगे प्राइम मिनिस्टर जो कि हेड ऑफ द कमेटी होंगे, लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी, और जो 3rd सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट में कहा था कि इस कमेटी में जो 3rd मेंबर होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, लेकिन जो पार्लियामेंट में एक्ट पास किया गया है उसमें जो 3 मेंबर कमेटी का जिक्र किया गया है, उसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया गया है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह इंक्लूड कर लिया है कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट को। सो इसीलिए इसके ऊपर मुद्दा बनाया जा रहा है कि जिस जगह पर हम लॉ बनने से पहले खड़े थे, उसी जगह पर हम अभी भी खड़े हैं, कि जो कमेटी है उसमें गवर्नमेंट की 2-1 रेशो से मेजॉरिटी होगी। पहले भी गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही थी, एग्जीक्यूटिव्स अपॉइंट कर रहे थे इलेक्शन कमिश्नर्स को, और अभी भी जो कमेटी है उसमें गवर्नमेंट की मेजॉरिटी है, तो अभी भी रूलिंग पार्टी ही जो है वो इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट कर रही है। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो इंडिपेंडेंटली वर्क करेगी, और इसमें जो मेंबर्स है वो भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी के पास मेजॉरिटी होगी इन इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने की, तो ये क्लियरली पार्शियलिटी होगी और फेयर भी नहीं होगा। एंड ये आर्टिकल 324, आर्टिकल 14 और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का भी वायलेशन होगा। सो सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई 21 मार्च को होगी, लेकिन उससे पहले ही 14 मार्च को 2 रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को इस 3 मेंबरीय कमेटी ने अपॉइंट कर लिया है एज इलेक्शन कमिश्नर। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपना क्या फैसला देती है। आपके अकॉर्डिंग जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी वो सही है, या फिर जो कमेटी इस नए लॉ के अंडर बनाई गई है वो सही है? अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और सुप्रीम कोर्ट इस केस के ऊपर अपना क्या फैसला देती है वो जानने के लिए भी जुड़े रहिएगा हमारे साथ।